हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूजर रहस्य की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और हम फिर से दोबारा तिबारा दसवीं बारा आ गए हैं पॉबी प्ले टाइम की स्टोरी के साथ। मैं आ गया, अरे तो क्या करूं, नहाऊं? अरे नहाए आपके दुश्मन, आप तो चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो, वो भी इतने जोर से कि घर वाले कहें। वैसे गाइज, आज हम हग्गी बग्गी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में भी बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना और इससे पहले पिछले सभी पार्ट्स भी जरूर देख लेना। तो गाइज, आज की कहानी तब शुरू होती है जब छुचुंदर स्टैच्यूज वाले गेम एरिया में पहुंच जाता है। अब वहां ना उसे अगले मॉन्स्टर टॉय यानी पीजे पगा पिलर का ये कार्डबोर्ड कटआउट दिखता है। Now guys, PJ ना एक हाइब्रिड टॉय है जो कैटरपिलर और एक पग का मिक्स है। अरे सीधे सीधे बोलो, कुत्ता है ये। थोड़ा तमीज और लजीज से बात करो। तमीज गई तेल लेने, ओए पग पिलर। कुत्ता है तो कुत्ता। अरे पुगे सॉरी यार, तेरा नाम आज से कुत्ता पिलर। नाउ हमेशा की तरह छछुंदर उस कुत्ते पिलर का ये बटन दबाता है और वो शुरू हो जाता है। देन गाइज, आगे बढ़ते बढ़ते ना छछुंदर स्टैच्यूज के प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है। नाउ स्टैच्यूज टेस्ट में ना बेसिकली बच्चों की फिजिकल फिटनेस और एंड्यूरेंस चेक की जाती थी। एक लंबा सा ऑब्स्टेकल कोर्स था जिसमें उन्होंने भागना होता था, बट दो बातों का ध्यान रखते हुए। पहली कि वो तभी हिल सकते हैं जब लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, लाइट्स ऑन होने पे ना हिलना मना है। और दूसरी बात ये कि वहां उनके पीछे ये कुत्ता पिलर पड़े रहेगा और अगर उसने उन्हें पीछे से छू लिया ना गाइज, तो गेम ओवर। अब ये कतई लंबा कुत्ता पिलर ना गाइज बहुत ही खूंखार है और अगर छछुंदर इस ट्रैक को फटाफट पार नहीं करेगा ना, या फिर गलती से भी लाइट्स ऑन के वक्त अपनी जगह से हिल जाएगा ना गाइज, तो नाउ टेस्ट शुरू ही होने वाला था कि तभी ऊपर ऑब्जर्वेशन रूम से मॉमी लॉन्गलेग्स कहती है, बच्चे यहाँ आते थे, गेम्स खेलते थे, मुझे मम्मी कहते थे, लेकिन फिर वो सभी अपनी मम्मी को अकेले मरने के लिए छोड़ गए, कोई वापस नहीं आया, लेकिन छछुंदर तू यहाँ काम करता था, इसीलिए अब तू भी अकेले मरेगा। आज का सवाल, प्ले टाइम कंपनी में काम करने वाले मार्कस ब्रिकली को कौन सा मॉन्स्टर टॉय दिखा था? ए बंजो बनी, बी पीजे पग पिलर, या फिर सी मॉमी लॉन्ग लेग्स? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ मॉमी लॉन्ग लेग्स की वो बात सुन के ना गाइस छछुंदर की फटके चार हो जाती है। भाई के समझ आ गया था कि मॉमी के भरोसे तो मत रहना, क्योंकि वो तो मरवा के या फिर मार के ही छोड़ेगी। सो बचने का तरीका है कि कुत्ते पिलर से भागो, टेस्ट से निकलो और फिर खुद ब खुद इस फैक्ट्री से भाग जाओ। नाउ टेस्ट शुरू होता है और छछुंदर जो रेस लगाता है ना गाइज, क्या बताऊं आपको। लेकिन जैसी लाइट्स ऑन होती हैं, भाई को रुकना पड़ता है, बाकी पीछे पीछे ये लंबू पीजे द कुत्ता पिलर ट्रेन की तरह आता रहता है। अब भागते भागते, झूलते झूलते, उछलते उछलते, छेद में घुस के जब छछुंदर ट्रैक के लास्ट में पहुंचता है ना, तो भाई ट्रिक खेल लेता है और अपने ग्रैब पैक से निशाना लगा के सीधा ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंच जाता है, वो भी शीशा तोड़ते हुए। एकदम हीरो वाली एंट्री। और साथ ही साथ उसे वहां एक दो डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। नाउ गाइस, जैसे ही मॉमी को पता चलता है ना कि छछुंदर गेम छोड़ के भाग गया है ना, वो पहले तो कहती है, अरे भाग मत, ट्रेन का कोड दे दूंगी तुझे। बट फिर ना गाइस, वो पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाने लगती है। अब छछुंदर को ना जमीन में एक छेद दिखता है, सो भाई उसमें कूद लगा देता है और फिर वो पहुंच जाता है फैक्ट्री के सबसे नीचे अंडरग्राउंड एरिया में, जहां की खस्ता हालत देख के ना गाइस ऐसा लग रहा था ना कि यहाँ किसी खतरनाक डिजास्टर ने या फिर किसी बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ने तबाही मचाई थी, सब कुछ फोड़ दिया था। अब उसी रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाता है, जहां से सामने गेम स्टेशन का गेट होता है, बट रास्ता बनाने वाले ये प्लेटफॉर्म्स ना गाइस खराब हो गए होते हैं, इसलिए उस गेट से जाना ना पॉसिबल ही नहीं होता है। सो छछुंदर राइट की तरफ जाने का सोचता है, बट गाइस उधर तो ना गेट खोलने के लिए एक बोंजो बनी का टॉय इस स्कैनर में रखना होता है, जिसे ढूंढने के लिए
भाई लेफ्ट की तरफ चल देता है और वहाँ बंजो बनी की मैन्युफैक्चरिंग पाइपलाइन होती है। अब बड़ी सरप्राइजिंग बात तो ये है ना गाइस कि वहाँ आज भी बंजो बनी के टॉयज बन रहे थे, उनका प्रोडक्शन चालू था। फैक्ट्री तो कब का बंद हो गई थी बट टॉयज अभी भी बन रहे थे। कौन है ये लोग जो आज भी इधर टॉयज बना रहे हैं? नाउ छचुंदर उसमें से एक टॉय उठा लेता है और उस बंद दरवाजे की तरफ जाने लगता है। बट गाइज तभी उसकी नजर पड़ती है इन पाइप्स और दीवारों के ऊपर लगे हुए खून के छींटों और नीले नीले बालों के गुच्छों पर, जिसका मतलब समझ रहे हो? अभी हम जिंदा हैं। हाँ गाइज, हगिंदर जिसे पिछले बार छचुंदर ने ब्रिज से नीचे गिरा दिया था ना, शायद वो अभी भी जिंदा है। इसके अलावा ना गाइज उसे वहाँ ना कैडबी का ये कार्डबोर्ड कटआउट भी मिलता है। इसका बटन दबाने पे पहले तो वो बड़ी मजेदार बातें करती है बट देन वो कहती है, तुम्हें यहाँ से बाहर भागना होगा। बट इसके बाद वो इस बात को मजाक में टाल देती है। Just kidding. Go have fun. बाकी यार वही वाटर ट्रीटमेंट एरिया में ना उसे एक हरी VHS टेप भी मिलती है जिसमें पॉपी प्ले टाइम के मार्केटिंग ऑफिसर जिमी का इंटरव्यू होता है और वो ना अपनी बड़ाई करने में लगा होता है, बेफालतू का ज्ञान पेल रहा होता है ये ज्ञानू जिमी। ओके सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, सो छछुंदर उस बंजो बनी के टॉय को टॉय स्कैनर में डाल के वो रास्ता खोल देता है और फिर वो एक नई जगह में पहुंच जाता है जहां उसे बुगी बुगी वॉट का ये कार्डबोर्ड कटआउट मिलता है। ना उधर पे ही ना गाइस उसे एक रेड कलर की VHS टेप भी मिलती है जिसमें एक खतरनाक अनाउंसमेंट होती है। तो वो बंदा बोल रहा होता है ना गाइस कि फैक्ट्री में ना एक बहुत बहुत बड़ी मकड़ी देखी जाने की खबरें सुनने में आ रही हैं। बट फिर वो अनाउंसमेंट वाला आदमी बोलता है, चिंता की कोई फिकर नहीं है क्योंकि अगर इतनी बड़ी मकड़ी होती तो अभी तक उसने हमें मार दिया होता। लगता है ये सब जाले भी वही मकड़ी बना रही है। अब छछुंदर उधर तिगड़म विगड़म लगा के गेट वगैरह खोलता है बट जब वो वेंट से होते हुए आगे जा रहा होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और भाई सीधे नीचे अंधेरे एरिया में पहुंच जाता है। गाइस इस मौके पे ना उसकी कतई फट गई थी, उसका दिल जोर जोर से जनरेटर की तरह धड़कने में लगा था। देन वो आगे को बढ़ता है। मॉमी गुस्से से बौखला रखी होती है, कहती है, चीटिंग करता है तू। उसे चीटिंग करने वाले लोगों से ना कतई नफरत है और अब छछुंदर बेटा तुम तो गयो। फिर मॉमी कहती है कि अब वो ना उसके साथ एक लास्ट गेम खेलेगी। मतलब लुक्का छुप्पी, अरे मूवी नहीं चच्चा, हाइड एंड सीक, लुक्को छुप्पो का गेम, जो शुरू करने के लिए ना गाइस मॉमी उल्टी गिनती शुरू कर देती है। अब छछुंदर के साथ आगे क्या होगा? क्या वो मॉमी से बच पाएगा? क्या वो उस प्लेटाइम कंपनी से बाहर निकल पाएगा? क्या पॉपी उसकी मदद करेगी? ये सब हम जानेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट जो आएगा बहुत ही जल्द। सो होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।